नमस्कार साथियों, भारत की दुनिया में तरक्की हो रही है, भारत का नाम दुनिया में गूंजा है, भारत के लिए काफी काफी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों का क्या मतलब जब जड़ में समस्या ज्यादा हो। अब जड़ की समस्या का मतलब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि सबसे आधारभूत, सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है वो अन्न की, धन धान्य की है, और उसके साथ जुड़े उन किसानों की है जो पूरे देश को अन्नदाता बनकर उनका पालन पोषण करता है। लेकिन आज इसी समय ऐसी ऐसी हालत भी है कि किसान तबाह हो जाता है, किसान की हालत खराब हो जाती है, किसान आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन किसी को जूं तक नहीं रेंगती, किसी कंपनी को जूं तक नहीं रेंगती, किसी तंत्र को जूं तक नहीं रेंगती, कुछ भी हो जाए वो फिरे बेचारा भटकता हुआ, लेकिन किसी पर कोई प्रभाव नहीं। आइए एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं कब खेत पूरे तरीके से एक दवाई के प्रकोप से तबाह होने वाला है। अरे भाई है ना, हाथ जोड़ के राम राम भाई। मेरा नाम दीपक है, सुनो प्रूफचंद भाई, गांव रमाणा रमाणी पुंडरी कैथल डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के रहने वाले निवासी हैं भाईयो। ये अपने 8 किले हैं, 8 किले हैं जो हमने ठेका पर ले रखे थे भाई। इनका हाल देख ले क्यों रहा है, स्प्रे कराया था इसके ऊपर मंडूसी का, जिसमें था इस दवाई का स्प्रे करवाया था। ध्यान तो देख लियो भाई, यह दवाई थी भाई, स्प्रे करवा दिया, इस दवाई ने सारी कणक का नाश कर दिया, सारी जड़ का लाल ले ली भाई। बनिया लगा गए जिस पतले गए, उन्हें बिल दे दिया, बोलिया मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, मैं तो पक्का बिल दे दिया, मेरा लगा था बात खत्म करो भाई। उन्हें कंपनी वाले भेजे डॉक्टर आते, दीपक मलिक जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का सबसे टॉप एड डॉक्टर है, वो आंदे नु बोलिया था हमने तो रात ने इसको ऊपर पेट्रोल का स्प्रे कराया, चाहे कैरोसिन का स्प्रे कराया, जिसकी वजह से ऊपर तक जलगी भाई। कैरोसिन ना तो इतना आया करता, और कौन पागल है भाई जो अपनी फसल के ऊपर इस तरह का स्प्रे करागा, अपनी फसल का नाश करवाओगा भाई। ध्यान तो देख लियो भाई, कंपनी वाले तो बात हुई, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस बात का नोटिस भिजवाया, वहां जाकर रिपोर्ट करवाई कि मारा गला इस तरह की बात हो रही है। उन्होंने दिलासा दे दिया भाई तारी कार्रवाई करांगे, सोमवार का टाइम दिया भाई उन्होंने भी, सोमवार ने तारा खेत में जाकर देख कर आओगे। कंपनी वाले ने तो साफ जवाब दे दिया को हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ना हमारा प्रोडक्ट में कमी है भाई, ये तुम खुद देख सको। ध्यान तो देखो भाई, चुगरदा दिखा रहे इन्होंने फिर आकर, चुगरदा देख लियो भाई, ये सारे किले हैं जिनमें सारी कणक लाल हो ली है, कुछ भी दिखने का नक्का नहीं रहा भाई, जमा साफ उजड़न वाला काम हो लिया भाईयो। भाईयो इस बात ने जड़ तक उसका उतनी ज्यादा फैला दो, टीवी पे भी दिया भाई, न्यूज चैनल पे भी दिया, न्यूज पेपर में भी यह बात कटवाई, लेकिन कंपनी का दबाव में आके कोई भी इस बात ने दिखाया नहीं रहा किसी का शामी, इन्हें ना उसकी कोई रिपोर्ट दे रहा न्यूज पेपर में, ना टीवी चैनल पे रही, सारे इस बात पे पीछे हट रहे हैं, अभी कंपनी का बड़ा मामला है भाई। एक रिपोर्टर तो बात ही उन्होंने बोला भाई तारी तो यह सबसे छोटी खबर है, इस खबर ने हम टेलीकास्ट को नहीं कर सकते भाई, एक किसान ने उजड़ गया तो इस तो ऊपर तो बड़ी खबर हो ही नहीं सकती कोई, इस खबर ने भी उन्हें छोटी कहने लग गए तो भाई के बड़ा होगा, के आला होगा भाई। भाई बाद में कंपनी वाले भी ना भाई आज जोड़ के रिक्वेस्ट है, इब एक बात बता दो कि इब आगे के कार्रवाई करनी चाहिए, जिस वजह से इसका कुछ सोल्यूशन हो जाए। सारे भाई यू मेरा नंबर है 8929971। अपने अपने व्यूज दो भाई, यो के करना चाहिए, कुकर करना चाहिए, करता जाएगा अपने रिकवरी मिल सका, अपनी फसल दोबारा इसका भाई, जो किसान भाई होगा इस बात ना अच्छी तरीके से समझ सकेगा। राम राम भाई हो। जैसा कि आपने देखा साथियों, एक किसान ये खरपतवार खत्म करने के लिए अपने खेत में दवा लेके आया, जहर लेके आया, उसी जहर ने उसकी पूरी खेती लगभग चौपट कर दी, और वो अब कंपनी के दरवाजे पर, कभी किसी अधिकारी के दरवाजे पर, कभी किसी मीडिया के दरवाजे पर भटक रहा है, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा, तो कौन सुनेगा। इस चीज को जितना हो सके फैलाइए, आप इसके मददगार हो सकते हैं, हम एक दूसरे के मददगार होंगे तभी ये देश बचेगा, तभी किसान बचेगा। तो एक आवाज किसान के लिए आइए मिलकर उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को फैलाएं, इस समस्या का प्रचार करें कि कंपनी को भी और तंत्र को भी पता चले कि किसान किस हद तक परेशान है और उसका कोई सुनने वाला नहीं। आपने समय दिया, आप सबका बहुत बहुत